अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं वेज बिरयानी। ये बहुत ही झटपट भी बन जाती है, बहुत ही टेस्टी है। आप भी इस तरह से ट्राई करें, आपको भी बहुत पसंद आएगी। बहुत ही आसान है इसे बनाना। यहाँ पर हमने एक पतीला लिया, इसके अंदर हम डालेंगे ऑयल। हमने यहाँ पे दो आलू को इस तरह से कट कर लिया है, इसे हम फ्राई करेंगे सिर्फ 1 मिनट के लिए, 1 से 2 मिनट के लिए। हमने इस तरह से आलू को फ्राई कर लिया, अभी हम इसे निकाल लेंगे। उसी ऑयल में हम डालेंगे लवंग, दालचीनी और पुलाव पत्ती। अगर पुलाव पत्ती नहीं है आपके पास तो कोई बात नहीं, अब इसकी जगह पे अगर तेज़पत्ता डालना चाहते हो वो भी डाल सकते हैं। दो प्याज डालेंगे, प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने देंगे। यहाँ पे हमने कुछ सब्जियाँ ली है, जिसमें हमने लिया है मटर, फ्लावर, शिमला मिर्ची और हमने जो फ्राई किए हुए आलू है वो है, थोड़ी सी गाजर है और थोड़ी सी बीन्स है। आप जो सब्जियाँ लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, इसके अंदर हम डालेंगे 2 टमाटर। तीन चम्मच हम अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए हम इसे भून लेंगे। दो चम्मच लाल मसाला डालेंगे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच और आधा चम्मच गरम मसाला डालेंगे। दो चम्मच भर के दही डालेंगे और मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे। मसाले को हमने अच्छी तरह से भून लिया है, अभी हमने जो सारी सब्जी है उसे डालेंगे, मिक्स करेंगे। आप यहाँ पे जो सब्जियाँ जितनी लेना चाहते अपने हिसाब से ले सकते हैं, टेस्ट के मुताबिक नमक डालेंगे और थोड़ा सा पानी डालेंगे और ढक के इसे हम 5 मिनट के लिए पका लेंगे। सब्जियों को यहाँ पे हमें पूरा पका नहीं लेना है, जब हम इसे दम पे रखेंगे तो वो सब्जियाँ पक जाएंगी। यहाँ पर हमने पानी बॉईल होने रखा है, इसके अंदर हम ये चावल डालेंगे। चावल को हमने धो लिया है, हमने यहाँ पर बासमती चावल यूज़ किए। आधा चम्मच जीरा डालेंगे और नमक डालेंगे। चावल डालने के बाद आपको एक बार इसे मिक्स कर लेना है और 80% हम चावल को पका लेंगे। तो यहाँ पर हमने सब्जी को 5 मिनट के लिए पका लिया। यहाँ पर हमने अभी सब्जी का गैस बंद कर लिया है, अभी इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया और तली हुई प्याज। चावल हमारे यहाँ पे 80% तक पक चुके हैं, तो इसे अभी हम छान लेंगे। इसके ऊपर हम अभी चावल डालेंगे जिसे हमने छान लिया है और सीधे अच्छी तरह से फैला लेंगे। थोड़ा सा केसरी फूड कलर को हमने पानी में भिगा के इस तरह से डाला है। आप जो कलर डालना चाहते हो डाल सकते हो, और अगर आप कलर डालना ही नहीं चाहते तो वो नहीं भी डाल सकते। थोड़ी सी तली हुई प्याज डालेंगे और थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। दो से तीन चम्मच हम इसके ऊपर ऑयल डालेंगे और एकदम लो फ्लेम पे इसे हम दम पे रखेंगे 15 से 20 मिनट के लिए। तो ये देखिए हमारी बिरयानी रेडी हो चुकी है, इसका हम गैस बंद करेंगे।
तो ये देखिए हमारी बिरयानी रेडी है। ये बहुत ही डिलीशियस बनी है और बहुत ही टेस्टी है। आप भी इस तरह से ट्राई करें और बनाना भी बहुत ही आसान है। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।